हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बी फार्मेसी की प्रेफरेंस लिस्ट और सभी कॉलेजेस का इंडिविजुअल वीडियो भी आएगा बहुत जल्द। कुछ कॉलेजेस का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट सेशन में देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट और इन जितने भी मैं कॉलेजेस बताऊँगा 25+ कॉलेजेस आपको बताऊँगा और इनका जो है आपको सबसे पहले TFWS सेलेक्ट करना है। TFWS जो भी कैंडिडेट्स की फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस से कम है वो सभी TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो TFWS में फ़ीस कम होती है, बहुत ही कम फीस आपको पे करना पड़ती है। उसके बाद ये सभी कॉलेजेस का आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये डाल देते हैं कि सर इतने परसेंटेज है होंगे क्या, इतने परसेंटेज है होंगे क्या। तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करना है, लास्ट ईयर की कट ऑफ जितनी थी उस इस साल भी उतनी सेम कट ऑफ रहेंगी। और उसके लिए आपको कॉलेज कट ऑफ नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है कॉलेज कट ऑफ नाम से ऐप, जिसका पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी आपको लिंक। उसके अंदर आपको सभी कॉलेजेस की कट ऑफ मिलेंगी जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रेफरेंस लिस्ट में। तो वो आप चेक कीजिए, वहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए अपने मार्क्स और यहाँ पर देखिए वीडियो को पूरा एंड तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप सभी स्टूडेंट्स का ये रहेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, नो मैटर आपके कितने परसेंटाइल है क्या है, मतलब अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है तो आप ये ही कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस डालिए। और यहाँ पर भी उसके अंदर TFWS पहले सेलेक्ट करिए, TFWS। ओके, तो यहाँ पर TFWS स्कीम के अंदर आपको फीस कम पे करना पड़ेगी। अगर ऐसा आपका कैप राउंड से होता है तो 87,000 फीस है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेंगी 87 से 89 के बीच। ओके, ये अगर आपको थोड़ा सा दूर होता है, अगर मुंबई नहीं जाना है, कुछ नागपुर साइड के या फिर मराठवाड़ा के स्टूडेंट है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद या फिर अमरावती या फिर जो है तो कोई और गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रेफरेंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रहेगा और मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि ICT मुंबई को आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालिए। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, मतलब वहाँ पर मुंबई में नहीं जाना है या कुछ मुंबई से नहीं रहना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको नीचे बताऊँगा गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद आप डालेंगे पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और जो मुंबई साइड के स्टूडेंट्स हैं अगर मुंबई में लेना चाहते हैं तो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी आप डाल सकते हैं। ओके, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसके बाद बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फिर उसके बाद जो है तो ये वाला कॉलेजेस आप डालेंगे। ओके, SVKMS, तो ये भी मुंबई में आता है कॉलेज, ये आप डाल सकते हैं। ये इसकी भी NIRF रैंकिंग बहुत ही अच्छी है लेकिन फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर TFWS से मिल जाता है यहाँ पर भी आपको तो ले लीजिए आप। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो पिंपरी चिंचवड़ का है ये DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, तो ये भी एक बेस्ट कॉलेज है फ्रेंड्स आपके लिए पुणे रीजन के अंदर। तो उसके बाद आप 6 नंबर पर ये कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते पिंपरी का DY पाटिल। ओके, तो दूसरा भी एक DY पाटिल है वो अकुर्डी का है, वो बाद में डालिए आप, पहले पिंपरी डालिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर, तो नागपुर की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं 7th नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर ये प्रेफरेंस आपकी प्रेफरेंस वाइज वेरी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप एरिया के हिसाब से अगर कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ईस्टर्न एरिया में नागपुर के पहले कॉलेजेस डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर कोई मुंबई साइड का रीजन में लेना चाहता है तो वो डाल सकता है या फिर पुणे के। ओके, तो सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, बेस्ट कॉलेजेस है, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि ख़राब है, सभी अच्छे कॉलेजेस है। ओके, उसके अंदर फीस का मैटर है तो आप पहले गवर्नमेंट ही कॉलेज डालिए अगर आपको फीस कम चाहिए तो। ओके, और TFWS से मिल जाता है तो TFWS से कोई भी कॉलेज में आपको कम ही फीस पे करना पड़ेगी। ओके, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो RC पटेल है ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, RC पटेल मास्टर्स के लिए भी, यानी एम फार्मेसी के यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे महाराष्ट्र में, एम फार्मेसी के सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इसी कॉलेज में पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर भी दो इंस्टीट्यूट है, एक जो है
आप ये डीटी कोड याद रखिए इसका, और दूसरा एक इंस्टीट्यूट कोड है डीटी कोड, जो अलग डीटी कोड से रहेगा, मतलब सेम कॉलेज है, कैंपस भी सेम है, लेकिन जो है तो उसका सेक्शन अलग रहेगा। तो ये जो है ये NIRF की बेस्ट रैंकिंग है इस इंस्टीट्यूट को। उसके बाद जो है तो यहाँ पर नागपुर का ये कॉलेज है श्रीमती किशोरताई, ओके, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं 9th नंबर पर। उसके बाद YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये एक बेस्ट कॉलेज है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा कॉलेज है, मतलब अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो उनके कम परसेंटेज में यहाँ पर हो सकता है एडमिशन, मतलब 80% भी रहे तो, या आपके 75 के अबव भी रहे तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए मिल जाता है एडमिशन। उसी तरह से RC पटेल में भी गुजराती लैंग्वेज माइनॉरिटी के लिए मिल जाता है एडमिशन, ओके। उसके बाद अगर बात करें हम भारतीय विद्यापीठ कोल्हापुर, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं आपको सोलापुर कोल्हापुर साइड चाहिए तो। उसके बाद 12th नंबर पर आता है हमारा ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, तो ये भी पुणे के अंदर अच्छा कॉलेज है पुणे के अंदर, ओके। तो सभी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स है, आपको ये प्रेफरेंस डालना है, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेफरेंस लिस्ट काफ़ी मैंने वेल डिज़ाइन की है, इसके अंदर कुछ प्रेफरेंस आपके वेरी हो सकते हैं, आपका एरिया वाइज सजेशन, आपका जो एरिया रहेगा चूज़ करने का उसके हिसाब से वेरी हो सकते। तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, ये एक डीम यूनिवर्सिटी है, इसका जो सेपरेट एडमिशन प्रोसेस होता है आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके, काउंसिलिंग वहाँ से होंगी आपकी। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल KM कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्रिंसिपल KM कुंदानी मुंबई के अंदर है ये, ओके, मुंबई के अंदर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट सेशन में आप चेक कर सकते हैं, और ये प्रिंसिपल KM कुंदानी के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती की, तो इसके भी ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, पूरी प्लेसमेंट फीस स्ट्रक्चर, मतलब सभी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर कट ऑफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, कल ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। और कराड़ और रत्नागिरी कॉलेजेस भी गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत जल्द वीडियो आएगा। उसके बाद नासिक के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेज है MVPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती है BPharm MPharm की और डिप्लोमा इन फार्मेसी की भी, ओके। तो ये एक सबसे बेस्ट कॉलेज है नासिक रीजन के अंदर आपको चाहिए तो। उसके बाद जो कॉलेजेस यहाँ पर मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको अगर DY पाटिल सेलेक्ट करना है अकोर्डी का, तो वो भी आप अकोर्डी का सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CU शाह, ये स्पेशली वुमेन्स कॉलेज है, तो यहाँ पर वुमेन्स के लिए स्पेशल है, पूरा फुल्ली वुमेन्स कॉलेज है और 100% सीट्स जो है ये वुमेन्स के लिए ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये भी एक सेमी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ओके। तो इसकी भी पूरी जानकारी प्लेलिस्ट सेशन में आपको मिल जाएंगी, सेमी गवर्नमेंट BPharmacy कॉलेजेस के। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई, तो ये भी एक मुंबई रीजन के अंदर अच्छा कॉलेज है, और ये है DY पाटिल अकुर्डी का, तो ये आप DT कोड याद रखिए, और जो मैंने पिंपरी का DT कोड बताया वो एक याद रखिए। और उसके बाद 24 नंबर पर आ जाता है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ फार्मेसी वड़गांव, तो ये दोनों ही अच्छे कॉलेज हैं, मेरे सजेशन में वड़गांव अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है तो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नरे अंबेगांव, ये दोनों डाल सकते हैं आप। इसके बाद के जो कॉलेजेस है वो जल्दी आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नो मैटर आपके कितने % है, पहले आपको यही कॉलेज सेलेक्ट करना है, आपके 50 या 60 या 70 जितने भी % है, पहले 25 में आप ये डालिए 25 जो कॉलेजेस रहेंगे आपके फर्स्ट 25। उसके बाद जो है तो आपके जो एरिया में आप लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जो भी आप लेना चाहते हैं, मतलब जिसका लो कट ऑफ जाता है वो डालिए, क्योंकि हो सकता है कभी लक में आपको यहाँ पर मिल जाए, तो
आप मैक्सिमम 150 प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, मतलब 150 से भी ज़्यादा प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। तो पहले 25 में आप ये डाल दीजिए सभी कॉलेजेस, इसके बाद आप दूसरे 100 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब 150 कॉलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, तो आप ये 25 कॉलेजेस पहले डालिए, और इसके बाद के भी मैं बहुत जल्द आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।